इंसान के आंसू की बहुत बड़ी कीमत होती है। अगर किसी इंसान के आंसू निकल रहे हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, लेकिन कोई उस आंसू के पीछे की वजह नहीं समझना चाहता। लोग आंसू देख के इरिटेट हो जाते हैं, उस इंसान से छुटकारा पाना चाहते हैं, और यही कुछ चीजें आपके और हमारे साथ होती रही हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा इमोशनल लोग हैं। लोग हमें कभी समझते ही नहीं है। अगर आपकी कंडीशन अच्छी है तो लोग आपका साथ पूरी तरीके से देंगे, लेकिन जैसे जैसे आपकी कंडीशन खराब होती जाएगी वैसे वैसे लोग आपको छोड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपका और अपना सपोर्ट करने यहाँ पर आया हूँ और 5 चीज़ें बताने आया हूँ जो कि हम इमोशनल लोगों में हैं, जो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, जिनको बहुत जल्दी किसी पे दया का भाव आ जाता है। लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सपोर्ट करेंगे। एक दूसरे का 5वीं क्वालिटी जो आपके अंदर है वो है क्रिएटिव एक्सप्रेशन। देखो, अगर किसी इंसान की आंख में आंसू आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वही इंसान बस इमोशनल है और वो इंसान नहीं है। जिसके आंख में आंसू नहीं आए वो भी इमोशनल हो, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा। आप मुझसे प्यार करते हो या नहीं करते हो ये मुझे कैसे पता चलेगा? जब आप एक्सप्रेस करोगे तो एक्सप्रेशन जो है ना वो होनी चाहिए। आप किसी से प्यार करते हो तो भी कहो, आप उससे नफरत करते हो तो भी कहो। अगर आप किसी से खुश हो तो उसकी तारीफ करो, किसी से नाराज हो तो उसको बताओ क्यों नाराज हो, और अगर आपको बुरा लग रहा है तो उसके सामने आंसू भी निकालो, तब वो इंसान आपका असली दोस्त है। हम लोग एक्सप्रेस करने में बड़े आगे होते हैं। जो इंसान बहुत ज्यादा इमोशनल है ना, वो अपनी खुशियां लोगों में बांटता है, वो किसी चीज से उदास है तो लोगों को बताता है, वो किसी चीज से धोखा खा के है तो लोगों को अपनी स्टोरीज बताएगा कि ऐसा हो गया, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि लोग समझेंगे, क्योंकि वो भी एक समझने वाला इंसान है, क्योंकि वो एक्सप्रेशंस को समझता है। नेक्स्ट पॉइंट है एम्पैथी एंड कंपैशन। एम्पैथी मतलब सहानुभूति का भाव, और कंपैशन मतलब करुणा का भाव, लगभग दया। ये सारी चीजें एक ही जैसी लगभग होती हैं। तो आप किसी के इमोशंस को समझ पाते हो, आप सामने वाले की कंडीशन में घुसकर उसको समझ पाते हो कि उस पर क्या बीत रही होगी, और तभी नहीं जब वो उदास है, जब वो रो रहा है, बल्कि तब भी जब वो खुश है, आप उसकी खुशी में शामिल हो जाते हो, आप उसके दुख में शामिल हो जाते हो, आप उसकी बुरी कंडीशन में उसका साथ देते हो। लेकिन अक्सर लोग हमारे साथ ऐसा नहीं करते हैं, लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं, लोग हमारे इमोशंस को नहीं समझ पाते। रिटर्न में किसी की उम्मीद मत करो। इंसान दो ही वजह से दुखी होता है, एक तो बीता हुआ सुख जो कभी सुख हुआ करता था। आज मुझे इस लड़की से इसलिए फर्क पड़ रहा है क्योंकि एक जमाने में ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और बहुत अच्छे से हम रहते थे, लेकिन अब नहीं रहते। तो यहां पर कंपैरिजन हो गया ना, ये लड़की मेरा बीता हुआ सुख है और ये आज मेरा सुख नहीं है, इसलिए आज मेरा दुख बन चुकी है। दूसरी चीज, आने वाला सुख यानी कि एक्सपेक्टेशन। ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, ये एक्सपेक्टेशन है, मेरा आने वाला सुख है, लेकिन ये मना कर दे रही है, तो ये अभी वो एक्सपेक्टेशन को तोड़ रही है, इसलिए मेरा दुख बन चुकी है। इन दोनों ही चीजों से आप बचो, आप कभी दुखी नहीं होगे। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रांग इमोशनल इंटेलिजेंस। आप लोगों के इमोशंस को समझते हो, कनेक्ट करना जानते हो, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रखते हो, और बहुत ज्यादा केयरिंग नेचर के हो। अगर आप किसी के इमोशंस को नहीं समझ पा रहे, आप कभी उसकी केयर नहीं कर पाओगे। अगर आप किसी के सामने रोना शुरू कर देते हो और उसका वो मजाक उड़ाता है, इरिटेट हो जाता है, वो इंसान कभी आपकी केयर नहीं कर पाएगा। वो तब तक केयर करेगा जब तक उसका मतलब निकल रहा है। जैसे ही उसका मतलब निकलेगा वो आपको छोड़ के भाग जाएगा, क्योंकि वो अपने मतलब के लिए प्यार कर रहा है, क्योंकि वो अपने मतलब के लिए आपको दिखा रहा है कि आपको समझ रहा है, लेकिन वो नहीं समझ रहा। हम जैसे जो लोग होते हैं वो जल्दी लोगों को समझते हैं। लोगों की जो खुशियां हैं वो सही खुशियां हैं, सच्ची खुशियां हैं या नहीं। कोई स्माइल कर रहा है तो उसमें कितनी फेकनेस है वो हमें समझ में आ जाती है। कोई रो रहा है उसमें कितनी सच्चाई है वो हमें लोगों को समझ में आ जाती है, लेकिन कोई हमें नहीं समझ पाता, बस ये दिक्कत होती है। नेक्स्ट पॉइंट, रेसिलियंस एंड कोपिंग स्किल्स। हम यार बहुत रेजल हो गए हैं, अब ऐसी आदत सी हो गई है कि कोई इंसान आएगा, बातें अच्छी करेगा, छोड़ के चला जाएगा, हम ऐसे ही रह जाएंगे। लोग आकर अपना विश्वास दिखाएंगे, हमारा विश्वास जीतेंगे, जैसे हम विश्वास करना शुरू कर देंगे छोड़ के चला जाएगा। लोग आएंगे, पहले खुद ही दिखाएंगे हमसे प्यार करते हैं, जब हम प्यार करना शुरू कर देंगे छोड़ के चले जाएंगे, फिर हम उनके पीछे पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इससे ना हम लोग बहुत जल्दी आप कोप कर लेते हैं,
हमारी जो कोपी स्किल्स है वो काफी ज्यादा अच्छी हो गई है। हम बहुत जल्दी चीजों से बाउंस बैक करना सीख गए हैं। हालांकि हमें बुरा लगता है, लेकिन हम खुद में इतने इनफ हैं और खुद में हम इतने समझदार हैं कि अब हम अपने आप को समझा लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम ये एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि कोई हमें आगे समझाए। एंड नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, ओपनस एंड वल्नरेबल, यानी कि आप बहुत जल्दी लोगों से ओपन हो जाते हो, आप जल्दी से लोगों पे विश्वास करना शुरू कर देते हो, आप जल्दी से लोगों को अपना बना लेते हो, आप जल्दी से लोगों को अपना सीक्रेट बनाना बताना शुरू कर देते हो। हमारे इमोशंस की दिक्कत ही यही है ना, क्योंकि हम भरोसा कर लेते हैं, इसलिए हमें दुख पहुंचता है, दुख पहुंचता है तो हम रोते हैं।